अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नरेश हरी बड़ा, एडवोकेट हाई कोर्ट में आया हूं सब दोस्तों के लिए एक अहम टॉपिक के डिस्कशन के हवाले से वीडियो लेके। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिविल क्रिमिनल फैमिली रेवेन्यू इवन दो सेशन बिफोर ऑनरेबल कोर्ट सेशन जज आपके हाई कोर्ट में किसी भी जज आपकी कोर्ट के अंदर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर कोई हम डॉक्यूमेंट इस तरह का फेक बना के पेश करते हैं तो उस पे हमारे अगेंस्ट क्या जो है वो लीगल कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों को मिल सकें। दोस्तों जो बेसिकली जब भी किसी क्रिमिनल कोर्ट में जो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग करती है, समाप्त करती है, सिविल में, रेवेन्यू में, या इसके अलावा हाई कोर्ट है या इवन दो जो भी कोर्ट्स हैं, उन सब में एक कोर्ट का प्रोसेस होता है जो प्रोसेस ऑफ विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजरना पड़ता है केस को। जो केस फाइल हो गया उसका प्रोसीजर जो बेसिकली अडॉप्ट होता है कि उसमें जो केस आज हमने फाइल किया उसमें जो है वो रिटर्न समन नोटिस वगैरह के लिए केस चला जाता है, पब्लिकेशन वगैरह न्यूज़पेपर की होती है, उसके बाद रिटर्न रिप्लाई आता है रिस्पोंडेंट की साइड से, डिफेंडेंट की साइड से। रिटर्न रिप्लाई आने के बाद जो है उसके बाद आर्गुमेंट के लिए और देन एविडेंस पे केस चला जाता है। एविडेंस में जो बेसिकली कोर्ट जो है फराहम करती है मौका कि पीडब्ल्यूज और बाद में डीडब्ल्यूज ये जो है अपने अपने जो इम्पोर्टेंट केस के हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अनेक्चर करवा सकते हैं, वो फाइल का हिस्सा बनते हैं, एग्जिबिट हो जाते हैं। एग्जिबिट का जो प्रोसेस है उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का हो कि कोई डॉक्यूमेंट किसी शख्स ने, किसी पार्टी ने फैब्रिकेटेड, बोगस, खुद साख्ता बनाया हो और वो कोर्ट में पेश कर दिया, तो कोर्ट में दूसरी पार्टी, कोर्ट इटसेल्फ अपने तौर पर भी और दूसरी पार्टी के नॉलेजिंग मतलब उसके बताने के बावजूद वो एप्लीकेशन देगा कोर्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो कोर्ट है वो उसको वेरिफिकेशन के लिए भिजवा सकती है। अगर वो डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह की प्रोसीडिंग में कोई खलल आता है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो फिर उस पर जो है ना जो कोर्ट होगी वो सेक्शन 476 CRPC के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। अब हम सेक्शन 476 बेसिकली क्या है वो पढ़ते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 476 कहता है प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195 के अंदर जो बेसिकली जो मेंशन्ड केसेस हैं ये सिर्फ उसमें प्रोसेस है, जो प्रोसीजर बेसिकली वो है, लेकिन उसमें कोर्ट किन चीजों के तहत जिसमें सजा देगी वो 476 को देखा जाएगा। व्हेन एनी ऑफेंस रेफर टू सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज B1 और क्लॉज C has been committed in or in relation to or proceeding in any civil, revenue or criminal court, the court may take cognizance of the offence and try the same in accordance with procedure prescribed for the summary trial. सबसे पहले तो ये उन्होंने बताया कि अगर कोई भी शख्स है वो कमिट करता है कोई भी सिविल, रेवेन्यू या क्रिमिनल में, तो उसके अगेंस्ट किस तरह से कार्रवाई होगी। सेकेंडली कोई भी जो है ना व्हेन इन एनी केस ट्राइड द कोर्ट फाइंड, अगर किसी शख्स को कोर्ट ये समझती है कि इसने ये जो इसने क्रिमिनल ऑफेंस है ये कोर्ट में इसने किया है, कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑन द ऑफेंडर ऑथोराइज्ड बाय लॉ फॉर सच ऑफेंस, एक्सेप्ट जो उसमें सेंटेंसेस नहीं हो सकती, जो उसमें पनिशमेंट्स नहीं हो सकती, वो ना तो इसमें डेथ सेंटेंस हो सकती है, ना इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, और ना ही इसमें ऐसी कोई इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जिसकी मियाद 5 साल से ज्यादा हो। तो इसमें ये सारा इसमें और काफ़ी सारी इसमें काफ़ी लंबा 176 का ऑफेंस है, तो इस हवाले से भी अगर आप दोस्तों को किसी चीज़ का क्वेश्चन हो तो मैं लाजमी इसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा सब दोस्तों को। देखते रहें लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।